दिवसीय स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया आयोजित। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शिरकत, जनता को किया संबोधित। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर की हो रही जासूसी, आर्यन खान मामले में जांच कर रहे हैं जोनल डायरेक्टर। अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई। एनआईए ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से बरामद ड्रग्स के मामले में की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने दिल्ली में 5 जगहों पर की छापेमारी, मथुराम, सिकंदरा, दुर्गा, पीरी, इन तमाम जगहों पर कार्रवाई शुरू। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का बड़ा निर्देश, मंत्रालय ने जारी किया नोटिस, दिल्ली को मुहैया कराई जाए बिजली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28वें एनएचआरसी स्थापना दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सुनी। हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे संतोष है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के इन नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है, अपना सहयोग कर रहा है। साथियों, भारत आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु के महान आदर्शों को, संस्कारों को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत् सर्वभूतेषु याने जैसा मैं हूं वैसे ही सभी मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में भेद नहीं है। जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं तो हर तरह की खाई भर जाती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत के जनमानस ने इस विचार को हजारों सालों में जीवंत बनाए रखा। इसलिए सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा उतनी ही सहजता से स्वीकार हुई। साथियों, आजादी के बाद भी भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानव अधिकारों से जुड़े विषयों पर नया पर्सपेक्टिव दिया है, नया विजन दिया है। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानव अधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारी ये आस्था हमें आश्वस्त करती है कि भारत मानव अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए एक आदर्श समाज के निर्माण का कार्य इसी तरह करता रहेगा। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानवीय के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। इस 15 अगस्त को देश से बात करते हुए मैंने इस बात पर बल दिया है कि अब हमें मूलभूत सुविधाओं को
शत प्रतिशत सेचुरेशन तक लेकर जाना है। ये शत प्रतिशत सेचुरेशन का अभियान समाज की आखिरी पंक्ति में, जिसका अभी हमारे अरुण मिश्रा जी ने उल्लेख किया, आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जिसे पता तक नहीं है कि ये उसका अधिकार है, वो कहीं शिकायत करने नहीं जाता, किसी आयोग में नहीं जाता। जब देश का एक बड़ा वर्ग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही संघर्षरत रहेगा तो उसके पास अपने अधिकारों और अपनी आकांक्षाओं के लिए कुछ करने का ना तो समय बचेगा, ना ऊर्जा और ना ही इच्छा शक्ति। और हम सब जानते हैं गरीब की जिंदगी में हम अगर बारीकी से देखें तो जरूरत ही उसकी जिंदगी होती है और जरूरत की पूर्ति के लिए वो अपना जीवन का पल पल शरीर का कण कण खपाता रहता है और जब जरूरत पूरी ना हो तब तक तो उसको ये अधिकार के विषय तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। जब गरीब अपनी मूलभूत सुविधाओं और जिसका अभी अमित भाई ने बड़े विस्तार से वर्णन किया, जैसे शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य की चिंता, इलाज की चिंता, इन सबसे जूझ रहा हो और कोई उसके सामने जाकर उसके अधिकारों की लिस्ट गिनाने लगे तो गरीब सबसे पहले यही पूछेगा कि क्या ये अधिकार उसकी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। कागज में दर्ज अधिकारों को गरीब तक पहुंचाने के लिए पहले उसकी आवश्यकता की पूर्ति किया जाना बहुत जरूरी है। जब आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं तो गरीब अपनी ऊर्जा अधिकारों की तरफ लगा सकता है, अपने अधिकार मांग सकता है। गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलकर वो अपने सपने पूरे करने की ओर बढ़ चलता है। इसलिए जब गरीब के घर शौचालय बनता है, उसके घर बिजली पहुंचती है, उसे गैस कनेक्शन मिलता है तो ये सिर्फ एक योजना का उस तक पहुंचना ही नहीं होता, ये योजनाएं उसकी आवश्यकता पूरी कर रही हैं, उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं, उसमें आकांक्षा जगा रही है। साथियों, गरीब को मिलने वाली ये सुविधाएं उसके जीवन में डिग्निटी ला रही है, उसकी गरिमा बढ़ा रही है। जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, अब गरीब को जब शौचालय मिलता है तो उसे डिग्निटी भी मिलती है। जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी डेबिट कार्ड के बारे में सोच भी नहीं पाता था, उस गरीब को जब रुपए कार्ड मिलता है, जेब में जब रुपए कार्ड होता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी गैस कनेक्शन के लिए सिफारिशों पर आश्रित था, उसे जब घर बैठे उज्ज्वला कनेक्शन मिलता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जिन महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं मिलता था, जब सरकारी आवास योजना का घर उनके नाम पर होता है तो उन माताओं बहनों की डिग्निटी बढ़ती है। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे इनजस्टिस को भी दूर करने का प्रयास किया है। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष मिश्रा के रिमांड 15 अक्टूबर की सुबह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा रिमांड की अवधि से पहले और बाद में आशीष को मेडिकल जांच के लिए भी ले जाया जाएगा। बता दें कि पुलिस ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 3 दिन की रिमांड की अनुमति दी है।
वो भी इस शर्त के साथ कि आरोपी का कोई मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न नहीं होगा और उसकी कानूनी टीम तक पहुंच होगी। तो लखीमपुर खीरी हिंसा का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की हिरासत में भेजा गया है। हालांकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके साथ कई और शर्तें भी हैं कि कोई भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना आरोपी को नहीं दी जाएगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित क्रूज शिप ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डीडीजी मुथा जैन ने डीजीपी से मुलाकात कर उनकी जासूसी की जाने की शिकायत की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी की जा रही है। कुछ लोगों ने ओशिवारा कब्रिस्तान में उनके आने जाने का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया है, जिसकी जानकारी मिलने पर महाराष्ट्र पुलिस डीजीपी ने शिकायत की है। बता दें कि ओशिवारा कब्रिस्तान में समीर वानखेड़े की मां की कब्र है, जहां वो रोज नमस्कार करने जाते हैं। समीर वानखेड़े ने इस मामले पर यह कहकर ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया कि मामला बहुत गंभीर है और इस पर कमेंट नहीं कर सकते। गौरतलब है कि क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान और बाज मोचन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कोरोना को लेकर। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन अब 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हो जाएगा। अब 2 से 18 साल के जो भी बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि 2 से 18 साल के बच्चों को अब कोवैक्सीन लग पाएगी। DCGI ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। DCGI ने बच्चों में कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, यानी कि कोविशील्ड नहीं सिर्फ कोवैक्सीन को ही मंजूरी दे दी गई है। अब 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की मंजूरी है। आपको ये जानकारी दे दें कि बहुत समय से ये जानकारियां आ रही थी कि जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी और आखिरकार जिसकी उम्मीद थी वो हुआ है। अब बच्चों को कोवैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। 2 से 18 साल के जो भी बच्चे हैं देश में उनको वैक्सीन लगेगी, लेकिन कोविशील्ड या कोई और वैक्सीन नहीं, सिर्फ कोवैक्सीन ही लग सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 2 से 18 साल के बच्चों को अब कोवैक्सीन लगेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से बरामद ड्रग्स के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि NIA ने आज इस मामले में राजधानी दिल्ली और NCR में 5 जगहों पर छापेमारी की। NIA ने 6 अक्टूबर को मुंद्रा पोर्ट से करीब 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद होने के मामले की जाँच अपने हाथ में ली थी। गृह मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक NIA ने मचवर्धम सुधाकरन, दुर्गा PV, गोविंद राजू, राजकुमार पी और अन्य के खिलाफ IPC और NTPS अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला दर्ज होने के बाद इसकी जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि बीते 13 सितंबर को ये ड्रग्स ईरान के अब्बास बंदरगाह से मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंची थी, जिसके बाजार में कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए है। बता दें कि मुंद्रा पोर्ट का संचालन अडानी समूह करता है और इस मामले के बाद अडानी समूह ने कहा था कि DRI समेत केवल सरकारी प्राधिकारों को गैरकानूनी कार्गो को खोलने, जांच करने और जब्त करने की अनुमति है और पतन संचालकों को नहीं। वहीं दिल्ली में बिजली की उपलब्धता को लेकर केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से NTPC और दामोदर वैली कॉरपोरेशन को नोटिस जारी कर बड़ा निर्देश दिया गया।
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली को जरूरत के मुताबिक बिजली मुहैया कराई जाए। केंद्र सरकार की ओर से जारी इस आदेश के बाद दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग और आवश्यकता के मुताबिक बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य की सरकार से कहा है कि अगर उनके पास सरप्लस बिजली है तो उसकी जानकारी मुहैया कराएं। केंद्र की कोशिश है कि बिजली संकट के बीच सरप्लस बिजली को दूसरे या जरूरतमंद राज्य को मुहैया करवाया जा सके। ऊर्जा मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आरोप पर भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश में बिजली की स्थिति बेहद नाजुक है। वहीं उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पिछले दो हफ्ते का आंकड़ा जारी कर बताया गया कि दिल्ली को उसकी मांग के हिसाब से रोजाना बिजली मुहैया करवाई गई है। इसके अलावा केंद्र ने राज्य को यह भी कहा है कि उनके पास जो गैर आवंटित बिजली है उसे पहले अपने राज्य के उपभोक्ताओं को दे। तो दिल्ली को बिजली मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का ये बड़ा निर्देश जारी हुआ है। हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी दो आदेशों को वापस ले लिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को जारी आदेश में कहा, हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के प्रभाव में आने के साथ दिनांक 2 अप्रैल 1980 और दिनांक 11 जनवरी 1967 के सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाता है क्योंकि वो अब प्रासंगिक नहीं है। वहीं हरियाणा सरकार के इस आदेश पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि अब हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट दे दी गई है। ये सरकार चला रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की पाठशाला? तो आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी। हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किया है और इसको लेकर कांग्रेस लगातार खट्टर सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सरकार चला रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की पाठशाला। अमरोहा के गांव ढींगरा में रामलीला मंच से अश्लील डांस का एक वीडियो सामने आया है जो अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रामलीला मंच पर बार बालाओं का डांस चल रहा है। इसके साथ ही वीडियो में पुलिस की जीप भी मौके पर खड़ी दिखाई दे रही है और धर्म के नाम पर अधर्म होते पुलिस वाले भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। बता दें कि थाना क्षेत्र के गाँव ढींगरा में स्थानीय रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला मंचन का आयोजन कराया जा रहा था जहाँ रामलीला मंचन के बाद स्टेज पर अश्लील डांस होता नजर आया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। वही मामला धर्म से जुड़ा है तो अब इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों में खासा आक्रोश है और लोग मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब पुलिस वहां पर मौजूद है तो फिर इसे बंद क्यों नहीं कराया गया, क्यों रामलीला मंचन के बाद वहां पर अश्लील डांस होता रहा। अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलीला के मंच पर बार बालाओं के ठुमके लगाते ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया था लेकिन जैसे ही रामलीला खत्म हुई उसके बाद बार बालाओं को यहाँ पर बुलाया गया, उनका डांस हुआ है। आसपास पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, पुलिस की जीप भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन किसी ने भी इसको रुकवाने की जहमत नहीं उठाई है। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, मामला धर्म से जुड़ा है तो ऐसे में अब लोग काफी आक्रोशित हैं और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो ऐसा पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी लगातार हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह के वीडियो वायरल होते देखे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर और दिल्ली समेत एनसीआर के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए को इन इलाकों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश से संबंधित एक ताजा आतंकवाद नेटवर्क की सूचना मिली थी। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि ये द रेजिडेंस फ्रंट टीआरएफ सहित कई आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर से संबंधित थे।
जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई जारी है। बता दें कि पिछले 2 से 3 दिनों में पूरे कश्मीर में लगभग 90 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पिछले सप्ताह अल्पसंख्यकों पर हुए आतंकी हमलों के ठीक बाद सुरक्षा बलों द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार नकाबपोश आतंकवादियों के एक समूह ने 7 अक्टूबर को श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल में घुसकर एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्याएं घाटी में बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की श्रृंखला में से एक थी, जिसको लेकर देश भर में आक्रोश भी देखा गया और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। तो एनआईए ने 16 जगहों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि कई ठिकाने ऐसे हैं देश भर में जहां पर जानकारी मिल रही थी और इसी के साथ यहां पर कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है। फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से करीब 90 युवक बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले सप्ताह जिस तरह से घाटी में एक प्रिंसिपल और शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आईडी कार्ड देख के, जिसके बाद आक्रोश बढ़ता गया और कल जिस तरह से 5 जवानों की शहादत हो गई, उसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं क्योंकि देश भी जवानों की शहादत का बदला लगातार मांग रहा है। इसके साथ अल्पसंख्यक पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसका भी विरोध लगातार हो रहा है। इसी सिलसिले में एनआईए द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। सांसद विधायक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सोमवार को मानहानि के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बता दें कि मुकदमे के दौरान विधायक अनुपस्थित थे, जिसकी वजह से अदालत ने यह आदेश पारित किया है। अदालत ने अंतिम तिथि को उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह का अंतिम अवसर दिया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की है। बता दें कि अजय कुमार लल्लू पर यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दायर किया है और वो अदालत में मौजूद भी थे, लेकिन अजय कुमार लल्लू पेश नहीं हो पाए। उनके वकील ने स्थगन की मांग की है, जिस पर याचिका खारिज करते हुए सांसद विधायक अदालत के न्यायाधीश पीके राय ने लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने घोटाले के शिकार हाउसिंग फाइनेंस फर्म में राज्य बिजली निगम कर्मचारियों के भविष्य निधि के 2600 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर लल्लू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। बता दें कि अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। हाल ही में लखीमपुरी खांड को लेकर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए नजर आए हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो विधायक अजय कुमार लल्लू की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किया है, मानहानि का मुकदमा भी उन पर दर्ज करवाया गया था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।